आज अर्शद आया था जी। मैं और शाहजी जब शॉपिंग से आए थे तब वो शायद जा रहे थे। वो भी दुआ के लिए बहुत परेशान है। बस उन्हें लगता है कि दुआ का कजन उनकी जिंदगी में वापस आ गया है, इसलिए दुआ चली गई यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम सलाम। रात को नींद ठीक आई आपको? मामा आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हैं बातों की। और मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी लगती है जब मामा की इतनी केयर करती है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मामा, जब बेटी चली जाएगी फिर कौन केयर करेगा आपकी? वैसे मेरी बेटी आज बड़ी खुश लग रही है। एनीथिंग स्पेशल? यस मामा, शहजी और आंटी वापस नहीं जा रहे। अच्छा, मुझे तो असमत बता रही थी कि शहजी के किसी दोस्त का कोई इशू चल रहा है और वो काफी परेशान है, इसलिए उनको वापस जाना है। आई थिंक वो इशू अब रिजॉल्व हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माहम तुम्हें पता है तुम्हारी दादो से मेरी बात हो रही थी रात को। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी और शहजी की मेहंदी अब एक साथ होगी। मेहंदी से दो दिन पहले हम लोग हैदराबाद चले जाएंगे, तमाम फंक्शंस हम वहीं पे करेंगे। तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है ना? नहीं मामा, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप आ जाओ। अच्छा बात सुनो। जी? जावी से तुम्हारी बात हुई थी? उसने मतलब अच्छे से बात की थी तुमसे? मेरी बात तो सिला से हुई थी, शायद जावी घर पे नहीं था। फिर जावी ने कॉल बैक भी नहीं की? मामा हो सकता है सिला ने उसको इन्फॉर्म ही ना किया। तुम्हें सिला ने कहा था कि मैं कॉल करूंगी तो जावी वापस आएगा। जी मामा। अच्छा अब तुम कॉल करने मत बैठ जाना, वो कॉल करेगा तो अटेंड कर लेना, बात कर लेना उससे। जी ठीक है। अच्छा अमजद भाई आप आ गए। मैं रमशा के पास किसी काम से आई थी लेकिन उसे तो बहुत तेज बुखार है। क्या? अगर डॉक्टर के पास ले जाना हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। रमशा रमशा बेटा, कोई ऐसे सजा देता अपने बाप को? ऐसी भी क्या नाराजगी कि आपने बताया था नहीं कि आपकी तबीयत खराब है? सिर्फ बुखार है अब्बा, ठीक हो जाएगा। उठो चलो आपको डॉक्टर के पास लेके जाओ, चलो। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। कैसे जरूरत नहीं है? अभी बाजी ने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चलो आपके लिए दवाई लेकर आया। मैंने दवाई ले ली थी। रमशा बेटा, कोई ऐसी सजा देता अपने बाप? आप रात भी खाली पेट सो गई थी, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है। मैं आपके लिए कुछ बना के लेकर आता हूँ। माचिस। हेलो। और भाई अमजद कहाँ गायब हो? मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम निकाह का दिन और तारीख बताओगे मुझे, लेकिन तुम तो लगता है भूल ही गए। अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ जानती हूँ क्या कहना है। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूँ? आप पहले मेरी बात तो सुन लें। भाई मुझे पता है रिमशा की रुखसती इम्तिहान के बाद करना चाह रहे हो ना तुम। नहीं नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये रिश्ता मुझे अब मंजूर नहीं। आपकी अंगूठी और आपका सारा सामान मैं आपको वापस कर दूंगा आज ही। ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा बेटी की कीमत बढ़ाने का?
बस कर दे बेगम साहिबा, मैंने अपनी बेटी की कोई कीमत नहीं लगाई, आपने लगाई थी मेरी बेटी की कीमत। हाँ, और तुम तो मासूम हो ना, मैंने लगाई तुमने कबूल कर ली, लगता है कोई नया और बड़ा हाथ मारने का सोच रहे हो। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया, आपकी सारी अमानतें मैं आज वापस कर लूंगा, आइंदा फोन नहीं कीजिएगा। शुक्रिया। बताइए फिर पहले कहाँ जाना है, डिजाइनर की तरफ या ज्वेलर की तरफ? अभी मुझे कहीं और जाना है पहले। कहाँ? जहाँ कभी दोबारा ना जाने का अहद किया था मैंने। दुआ से मिलने जा रही हैं? हाँ, कुछ जरूरी बातें करनी है मैंने उससे। आपको लगता है आपका वहां जाना मुनासिब है? क्यों, तुम भी तो गए थे। जी, लेकिन जब मैं गया था तब बाई चांस वहां कोई नहीं था। मैंने पहले वहां किसी के होने की परवाह नहीं करी, अब भी नहीं करूंगी। क्या बात करेंगी आप उससे? तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी और दुआ की क्या बात हुई है, मैं भी नहीं बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि उसने तो कुछ बताने लायक छोड़ा ही नहीं, उसने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर मैंने अपनी मोहब्बत की दुहाई की तो वो वहां से भी कहीं और चली जाएगी। दूसरों के एहसानों के लाज रखने और उनका बदला चुकाने का हुनर वो भी आपकी तरह बखूबी जानती। तुम तंज कर रहे हो शहजाद। आप क्या उसका शुक्रिया अदा करने जा रही? शुक्रिया किस बात का? खामोशी से घर छोड़ने का। मैंने ये तो कभी नहीं चाहता कि वो घर छोड़ के चली जाती। क्या चाहती थी आप? कि वो वहां सबके सामने अपनी कुर्बानी का दर्द सहती, अपनी आंखों के सामने मुझे किसी और का होता देख के बार बार जीती, बार बार मरती, यही चाहती थी आप? फजूल बातें मत करो। शहजाद, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं अंदर से होकर आती हूँ। खाला आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप अंदर आए। अम्मी देखें कौन आया है। खाला, ये मेरी अम्मी है। अगर ये अम्मी है तो मैं खाला कैसे हूँ? आपकी इस दुआ ने एक रिश्ते को ना मानने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन जिंदगी ने मुझे कई अजनबी रिश्तों से जोड़ दिया। ये मेरे बाबा की दूसरी बीवी है। जब मैंने घर छोड़ा था तो ये माँ जैसी नहीं लगती थी, लेकिन अब जब मैं घर वापस आई हूँ तो ये मुझे मेरी माँ जैसी लगती है। आप असमत है ना? काफी बड़ा जिक्र हुआ करता था आपका इस घर में, उम्मीद नहीं थी कि मुलाकात भी हो जाए। तो आ बेटे, निखाला को बिठाओ, मैं चाय का इंतजाम करती। नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, बस तुमसे बात करने आई। आप जी बैठिए। आप तो क्यों आई हो तुम वहां से?
और अगर आना ही था तो किसी को बता कर आती ना। तुम्हें अंदाजा है वहां पर सब लोग कितना परेशान है तुम्हारे यहाँ आने से। बताकर आती तो कभी भी ना आ सकती। मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हारे दिल में शहजाद के लिए कोई भी जज्बात है तो मुझे बता दो। नहीं खाला, मेरे दिल में शहजाद के लिए कोई जज्बात नहीं है। अब तो मत छुपाओ बेटा, दिल में था वो तुम्हारे, इसीलिए इंतजार था ना उसका। इंतजार इसलिए था कि वो दोस्त था मेरा, वो मुझे सीधा रास्ता दिखाता था और मैं आप लोगों को बहुत मिस करती थी। अगर यही सच है तो तुम वहां से इस तरह क्यों चली गई? मुझे डर था कि कहीं शहजाद अपना इरादा ना बदल दे। बेटा अज्जद को ही बता देती, वो बहुत चाहता है तुम्हें। मैंने उसकी आंखों में, उसके लहजे में तुम्हारे लिए प्यार देखा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। मुझे उसकी मोहब्बत का अंदाजा है खाला, मैंने दिल से इस रिश्ते के लिए हाँ किया। लेकिन लेकिन क्या दुआ खाला, आप ही बताइए ना, क्या जूबी आंटी अपने बेटे के लिए इस घर में रिश्ता लेके आएंगी? क्यों नहीं आएंगी, वो अपने बेटे की मोहब्बत से वाकिफ है। मैंने खुद सुना था कि जूबी आंटी कभी भी किसी ऐसे घर में रिश्ता नहीं जोड़ेंगी जहाँ से सिला आई है, और वैसे भी उन्हें निकाह के लिए मेरी शनाख्त चाहिए थी। आप ही बताएं मैं कैसे छुपाती। सिला के बारे में अगर जूबी ने ऐसा कुछ कहा भी है तो इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताया रजी भाभी ने कि सिला की फैमिली वाले अच्छे लोग नहीं है। उसका बाप जेल काट कर आया है और भाई स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस है। आप सिला से नहीं मिली? नहीं, मंगनी पर आए थे तो वो बीमार थी इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, और इस बार आए तो वो और जावी घर छोड़कर जा चुके हैं। क्यों? घर में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। रजी भाभी और माहम को लगता है कि तुम सिला की वजह से घर छोड़कर आई। हेलो सही, इतनी देर से कॉलिंग कर रही हूँ, कहाँ थे आप? वो मैं मंडी गया हुआ था, फोन साइलेंट पर रह गया था, अभी नजर पड़ी है कॉल्स पर। तुम बताओ खैरियत है? वो अस्मत आई हुई है घर पे, मैंने सोचा कॉल करूं वरना आप कहेंगे मैंने बताया ही नहीं आपको। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? वो दुआ से मिलने आई है, उसे जाने का तो नहीं कह सकती। चाय का पानी चढ़ा के आई हूँ उसके लिए, मैं फिर कहा आपको कॉल करके बताऊं। खाला मैं सिला की वजह से घर छोड़ के नहीं आई। दुआ, सिला और शानी कहाँ है? शानी तो जॉब कर रहा है और सिला? सिला? खाला सिला नहीं चाहती थी कि वहाँ सबको पता चले कि मैं उसकी बहन, इसीलिए मैं अपनी शनाख्त जूबी आंटी को नहीं बता सकती थी। दुआ, तुम्हारा मतलब है कि जावी की बीवी हमारी सिला है? तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात तुम छुपाती रही? खाला आपका और अपना रिश्ता भी तो छुपा के रखा है ना मैंने, बस इसी तरह अपना और सिला का रिश्ता भी छुपा के रख रही हूँ। उसे शर्म आती है किसी को बताते हुए कि मैं उसकी बहन हूँ। उसको शर्म आती थी, तुमने उसकी शर्म की लाज रख ली? क्यों इतना जुल्म करती हो अपने आप पर दुआ? खाला सिला जज्बाती है, बेवकूफ है, आप उसे वापस ले। क्या ये सच है कि सईद भाई जेल में रहे और शानी जुराइम में मुलव्वस है? वो खाला बाबा से कत्ल हो गया था, वो जेल में रह के आए, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत बदल गए। आप उनसे मिलेंगी ना तो आपको यकीन आ जाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का, शानी भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहा है।
बाप कातिल, बेटा लुटेरा। नहीं नहीं खाला, शानी से सिर्फ एक बार गलती हुई थी, उसने तौबा कर लिया, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। दुआ निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें इस माहौल में नहीं रहने दूंगी। बेटा अश्रित का रिश्ता तुम्हारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, मैं सूबी को बताऊंगी सब सच्चाई, वो जरूर आएगी तुम्हें बहू बनाने के लिए। नहीं खाला, वो कभी नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरे बाबा सब्जी बेचते हैं। लेकिन वो जनरल स्टोर सब खत्म हो गया खाला। चाय? नहीं शुक्रिया, चाय की जरूरत नहीं है, वैसे भी बाहर शहजाद इंतजार कर रहा है मेरा। अरे तो आप उसे अंदर बुला लेती। नहीं, दरअसल वो एक कॉल पे है। ठीक है तो आप बेटे, मुझे तुम्हारी खाला से बात करनी है, जरा अंदर जाओ। जी अस्मत, आपको असजद की तरफ से तसल्ली है तो आप बात करें उन लोगों से दुआ के लिए। बताइए अभी ज्वेलर की तरफ चलना है? नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, अभी तो मुझे घर ले जाओ। ज्वेलर क्या तुम माहम के साथ चले जाओ। वैसे बहुत इंतजार करवाया आपने मुझे अम्मी, अब तो मोहल्ले वाले भी मशकूक नजरों से देखना शुरू हो गए थे। एनीवे, कौन कौन मिला आपको? दुआ और उसकी सौतेली माँ, शहजाद, जावी की बीवी सिला हमारी सिला है। तुम्हें पता है उसी ने मना किया था दुआ को कि वो ये बात किसी से शेयर ना करे, तो वह सिला की वजह से घर छोड़कर आई। घर पहुंच के मैं रिजी भाभी को समझाऊंगी, शायद वो जावी और सिला को वापस बुलाने के लिए मान जाए। अच्छा बेटा, बेटा मैं आपके लिए दवाई लेकर आया, इसकी एक खुराक अभी लेनी होगी आपको। अब्बा मेरा बुखार अब बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं अब ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो? सारी उम्र मेरी बेटी ने मेरी खिदमत की है और आज मैं अपनी बेटी की खुद खिदमत करूंगा। रमीज की अंगूठी कहाँ पर है? आप बेफिक्र रहें अब्बा, वहां से कोई आएगा तो मैं पहन लूंगी। पहननी नहीं है बल्कि वापस करनी है। भाई मैंने तो रमीज की अम्मा को कह दिया, हमें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, आज ही जाके उनकी सारी चीजें वापस कर दूंगा मैं। अब्बा अगर आपने ये फैसला ले ही लिया है तो नजरें झुका के क्यों बोल रहे हैं? कैसे नजरें मिलाऊं बच्चा? तेरा बाप लालची हो गया था। वही बात नहीं है बाप, अगर अपने बाप को माफ कर दिया तो अपना बुखार भी चेक कर लो। ठीक, आप बुखार चेक करो और कुछ अच्छा सा बना के ला। ठीक है।
असमत, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? कुछ बताना है आपको, मैं आज दुआ से मिलकर आई। क्या, कहाँ मिली वो आपको? असमत भाभी, आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? वो अपने घर पे है रजी भाभी, वो यहाँ से किसी से नाराज होकर नहीं बल्कि खौफजदा होके गई है। खौफजदा? लेकिन किससे? दुआ और सिला ने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है और मैंने भी। असमत भाभी, मुझे सच बताएं, दुआ और सिला दोनों बहनें? क्या? दुआ ने ये बात सिला की ख्वाहिश पर छुपाई। सिला नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले कि दुआ उसकी बहन है। वो इस बात में अपनी इंसल्ट फील करती थी। माय गॉड, इतनी बड़ी बात ये दोनों मुझसे छुपाती रहीं? असमत भाभी, आपने मुझसे क्या छुपाया? रिसी भाभी, दुआ और सिला मेरी बहन की बेटी। ने इतनी बड़ी बातें मुझसे कैसे छुपा ली? मैं दुआ के बारे में आपको नहीं बता सकी, वो मेरी गलती है। लेकिन सिला के बारे में तो मुझे खुद अभी पता चला है। लेकिन दुआ ने मुझसे आपके और अपने रिश्ते को क्यों छुपाया? दुआ अपने जिस कजन से मोहब्बत करती थी, कहीं वो शहजाद तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने पूछा है उससे, उसने मुझसे कहा है उसे शहजाद से कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। वो तो उसका और शहजाद का बचपन साथ गुजरा है, उसने बहुत कुछ सीखा था शहजाद से, बस इसीलिए उसे मिस करती थी। आप सच कह रही हैं? जी, यही सच है। तो फिर उसने असद से शादी के लिए इनकार क्यों किया? क्यों भाग रही है वो? इसकी वजह जूबी है। जूबी? दुआ को लगता है कि जब सूबी को पता चलेगा कि दुआ सिला की बहन है तो वो खुद ये रिश्ता खत्म कर देगी। दुआ कहती है कि उसने खुद सुना था, सूबी कह रही थी कि उसे सिला की फैमिली से नफरत है। सूबी सिला की फैमिली के बारे में बात कर रही थी? मैं मानती हूँ कि दुआ की फैमिली वही है, लेकिन दुआ की तरबियत मैंने की है, इस घर से उसका तारुफ। सूबी क्यों ऐसा सोचेगी? भाभी, अगर आप इजाजत दें तो सूबी से मैं बात कर लूं। नहीं 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 नहीं, मैं खुद सूबी से जाकर बात करूंगी, वो मान जाएगी, मैं उसको समझाऊंगी। लेकिन भाभी, आपको एक वादा करना होगा मुझसे। कैसा वादा? आप दुआ से कहें कि वो वापस आ जाए, ना जाने उसकी फैमिली उसके साथ क्या सलूक कर रही होगी। खुश है वापस जाकर, वो कह रही थी कि हालात अब पहले की तरह नहीं रहे, वहां पे सब बहुत प्यार करते हैं उससे। भाभी, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगी। ऐसे ना कहें, वरना मैं और माँ हम जाकर खुद उसको ले आएंगे, और वैसे भी मैंने दुआ को बोला था कि मैं उसकी रुखसती माँ हम के साथ करूंगी। भाभी, खुदा करे बिल्कुल ऐसा ही। मैं अभी जाती हूँ जूबी की तरफ, जाकर खुद बात करती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असमत, आप परेशान ना हो, अभी तो आपने सिला की क्लास भी लेनी है। अच्छा, मैं जरा आती हूँ, आप यहाँ बैठिए। हाँ, हेलो, कब आ रहे हो तुम? जब आप बोले। सही, आ जाओ फिर। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसकी कॉल थी? मामा का फोन। आंटी की? क्या कहा उन्होंने? हमें वापस जाना होगा। नहीं, एक सेकंड,
आंटी ने हम दोनों को वापस बुलाया। अब तो आंटी को समझ आती है। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि उनको अंदाजा हो गया कि उनका बेटा उनसे दूर नहीं रह सकता। सिला, बस अब वहां जाके किसी से बहस नहीं करना प्लीज। शायद आप भूल रहे हैं कि घर छोड़ने का फैसला आपका था, मेरा नहीं। मगर ये सब किया तो मैंने तुम्हारे लिए ना सिला, मैं उस घर में तुम्हें इज्जत दिलाना चाहता था। हाँ तो मिल गई ना इज्जत मुझे, भले ही आंटी ने मुझे कॉल करके वापस नहीं बुलाया, लेकिन मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि उन्होंने आपका एहसास कर लिया। चलो जाने, वो उसे कहाँ कहाँ तलाश करता फिर रहा है, मुझे तो कुछ बताता ही नहीं। रसी उससे कुछ पूछती हूँ तो कहता है मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकता। अभी कहाँ गया इज्जत? ऑफिस गया है, अभी बहुत देर से आया था। इसी चीज की तलाश में जो उसे मिलती ही नहीं है। तो फिर समझो कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। क्या मतलब? रसी, दुआ का कुछ पता चला? घर गई है वो अपने घर। लेकिन उसके घर का तो एड्रेस भी नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। वो भी मालूम कर लिया मैंने। क्या? हाँ वाकई में? मैं अभी अज़ज़त को कॉल करके बताती हूँ। रुको एक मिनट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है ज़ूबी। रसी, दुआ ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन उसे लगता है कि तुम उसकी फैमिली के बारे में जानकर शायद अपना इरादा बदल दो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसकी फैमिली जिससे भी ताल्लुक रखती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ही कहा था ना कि असजद जावी की तरह अगर ऐसी लड़की का इंतखाब करेगा जिसका बाप सजा याफ्ता या भाई जुराम में मुलव्वस हो तो। वो तो मैंने सिला के लिए कहा था, दुआ का जिस फैमिली से भी ताल्लुक हो मुझे मंजूर है। दुआ का बाप और भाई अगर सिला के बाप और भाई की तरह हो तो जाओगी रिश्ता लेने? बताओ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सूबी, दुआ सिला की बहन। What? सिला की ख्वाहिश पर दुआ ने ये बात छुपाई है हमसे, लेकिन दुआ का ताल्लुक जिस भी घर से हो जूबी, दुआ की खूबियों के आगे उसके घर वालों की खामियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। तुम सोच लो, अगर मुनासिब लगे तो उसजद को बता देना, शायद उसकी तलाश खत्म हो जाए। चलती हूँ मैं। हेलो शानी, बात नहीं करोगे क्या मुझसे? शानी तुम्हें कुछ खबरी सुनानी थी, मैंने मेरा रिश्ता खत्म कर दिया। क्या हुआ शानी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अच्छा तुम्हें पता है अब्बा ने उनका सारा सामान भी वापस भिजवा दिया। हेलो हेलो शानी, तुमने ही कहा था ना
कि असजद जावी की तरह अगर ऐसी लड़की का इंतखाब करेगा जिसका बाप सजा याफ्ता या भाई जराय में मुलविस हो, तो दुआ का बाप और भाई अगर सिला के बाप और भाई की तरह हो तो जाओगे रिश्ता लेने? बताओ सूबी, दुआ सिला की बहन है, लेकिन दुआ का ताल्लुक जिस भी घर से हो सूबी, दुआ की खूबियों के आगे उसके घर वालों की खामियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तुम सोच लो, अगर मुनासिब लगे तो असजद को बता देना, शायद उसकी तलाश खत्म हो जाए। हेलो रजी, रजी तुमने कहा था ना दुआ की खूबियों की वजह से उसकी फैमिली की खामियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो मैंने सोचा अपने बेटे की खुशी के खातिर उसकी फैमिली को नज़रअंदाज कर दूं। तुम्हारे पास अगर उसके किसी भी फैमिली मेंबर का नंबर है तो प्लीज़ मुझे दे दो, किसी का भी नहीं है। महरूज भाई के पास तो होगा, और महरूज भाई तो सिला के बाबा के साथ भी कॉन्टैक्ट में थे, उनसे पूछ लो। ठीक है, थैंक यू रजी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप आंटी? बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या तुम लोग वापस लौट आए? मैं सोच रही थी कि ना जाने इस बार भी आपसे मुलाकात होगी या नहीं। तुम्हें उससे मिलने की ख्वाहिश थी? लगता है मामा ने हमें दिल से वापस नहीं बुलाया। बेटा, माँ की मोहब्बत पे कभी शक नहीं करते। Excuse me. क्या सोच रही हो ऐसे? मैं सोच रही थी जब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या रिश्ता है आपके साथ, तो आपकी खुशी का आलम देखने वाला होगा। इतनी हिम्मत है तुम में कि मुझसे अपना रिश्ता बता सको? आप जानती हैं खाला, मैं सिला हूं आपकी। सिला तो तुम दुआ की भी थी ना, जिसे तुमने इस घर से जाने पे मजबूर कर दिया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे आने से आप इतना नाखुश होंगे। काश तुम्हें अंदाजा होता कि मैं तुम्हारे जाने के बाद कितनी अकेली हो गई। तो आप रोक लेती मामा? अगर मैं आपके बुलाने का इतना मुंतजर था तो आपको क्या लगता है आपके रोकने पे रुकता नहीं? तुम मेरे रोकने से रुक जाते अगर तुम्हें अपनी बीवी के दर्द के आगे मेरा दर्द महसूस होता तब। मामा मैं जानता हूँ उसमें बहुत सारी खामियां, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। कितनी बुरी हो तुम सिला, सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसा करोगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया खाला, और वैसे भी जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हम छोटे घरों से आए हुए लोगों से वैसे ही मसले होते हैं। ये तो तुमने साबित किया कि छोटे घर से छोटी सोच लेकर आई हो। किसी को बताया तक नहीं दुआ तुम्हारी बहन है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो बहन के रिश्ते से नजरें फेर सकती है उसके लिए हम क्या ही अहमियत रखते होंगे। आपको यकीन है कि दुआ सिला की बहन है? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इतनी बड़ी बात तुमसे झूठ बोल रही हूं? मामा अगर सिला ने नहीं बताया था तो दुआ तो बता सकती थी। हुआ तो हमेशा से कुर्बानियां देती आई है, तुम्हारी खुशी के लिए उसने ये राज भी अपने सीने में दफन कर लिया कि वो तुम्हारी बहन है।
आपको तो हमेशा से दुआ ही प्यारी थी, अभी भी उसी की हिमायत कर रही हैं आप। शुक्र है मैंने सिला के हर इल्ज़ाम के जवाब में दुआ की हिमायत की, लेकिन अफसोस सिला को उस बच्ची पर रहम नहीं आया। मामा, सिला ने ये रिश्ता ज़रूर किसी वजह से छुपाया है। वजह जानती हूँ, वो लड़की इस घर में जिन हवाओं में उड़ना चाहती थी ना, इसीलिए तो उसने अपने माजी और हर रिश्ते से जान छुड़ाने की कोशिश की है।